हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर टेक में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने कंप्यूटर से ईवी बिल बना सकते हैं। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब करके घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, ब्राउजर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको www.gst.gov.in लिखना है। और बेसिकली आपको मालूम ही होगा कि ये जीएसटी का पोर्टल है। जब आप इसको क्लिक करोगे इसके ऊपर इस तरीके से, तो आप डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पे चले जाओगे और यहाँ पे आपको ई वे बिल सिस्टम का एक यहाँ पे एक साइड में एक ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू गो द ई वे बिल लिंक्स, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ई वे बिल की लिंक मिल जाएगी। आप पोर्टल पे डायरेक्टली ई वे बिल के चले जाओगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको एक लॉगिन करना है डायरेक्टली अपने अकाउंट को। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम एंटर कर लेना है फ्रेंड्स, और यूज़र नेम एंटर करने के बाद नीचे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको थर्ड नंबर पे कैप्चा जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये कैप्चा आपको एंटर कर लेना है। जब आप ये तीनों चीज़ एंटर कर लेंगे तो डायरेक्टली आप इसको लॉगिन कर लेंगे, तो डायरेक्टली आपका अकाउंट जो है ईवी बिल का लॉगिन हो जाएगा। अब आपको बिल जनरेट कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, और यार वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवे बिल का आपको एक पोर्टल मिल रहा है जनरेट नाउ। तो यहाँ पे आप सिंगल वाला जो है ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे ईवी बिल एक साथ जनरेट करना है तो जनरेट बल्क में आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सिंगल कर लेता हूँ, जनरेट नाउ पे कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी सप्लाई टाइप आपको सबसे पहले ऑप्शन नज़र आएगा। आउटवर्ड यानी कि अगर आप सेल कर रहे हो, और अगर आप परचेजिंग कर रहे हो तो इनवर्ड। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको अलग अलग ऑप्शन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आउटवर्ड में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे यानी कि मैं सेल कर रहा हूँ, और टैक्स इनवॉइस में एज इट इज रहने दूंगा, और डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना जो बिल होगा आपका इनवॉइस होगा। इस तरीके से आप अपने इनवॉइस नंबर यहाँ पे बिल नंबर को एंटर कर लेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर को मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और ये देखिए यहाँ से मैं इसको इनवॉइस नंबर ये है, और हमारा इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट जब मैं यहाँ पे कर लूँगा डॉक्यूमेंट नंबर, इसके बाद आपको बोलेगा कि डॉक्यूमेंट की डेट क्या है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं इनवॉइस की डेट हमारी 8 जुलाई 2019 है। तो यहाँ से हम जो है डेट सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से 8 जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से 8 जुलाई मैंने कर ली है। और यहाँ पे इसके बाद आपको रेगुलर है और कौन सा क्या है, तो यहाँ से रेगुलर में फिलहाल रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। बिलिंग फ्रॉम आपका खुद व ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बिल टू, जिसको आप बिल भेज रहे हो, जिसको आप सेल कर रहे हो, उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब आपके इनवॉइस में जीएसटी नंबर लिखा होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको GSTN को छोड़कर बाकी का कॉपी कर लेता हूँ, आगे की चीज़ें सारे नंबर्स। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको पेस्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली सारे की सारी डिटेल्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं पिन कोड नंबर मैच करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा मैच हो जा रहा है, क्योंकि GST नंबर उन्होंने जो है मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब आपको बोलेगा आइटम्स की डिटेल यहाँ पर फिल कर लीजिए, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, लेकिन की चीज़ क्या है, तो जैसे मैं हर्बल यहाँ पे प्रोडक्ट एंटर कर लेता हूँ, बेसिकली ये हर्बल प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हर्बल जेल मैं डाल देता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके बाद जानने के बाद डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको यहाँ पे HSN कोड आएगा, और यहाँ पे आपको HSN कोड आपके इन्वॉइस में मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ से मैं किसी भी एक HSN कोड को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली HSN कोड को एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालनी है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि टोटल आप कितनी सेल कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग आइटम्स हैं, सबको आपको जोड़ देना है, प्लस कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको प्लस करता हूँ, तो पूरी मिला के जो मेरी क्वांटिटी बनती है वो बनती है इतनी। तो मैं यहाँ पे 4506 यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे यूनिट बोलेगा, तो आप इसके ऊपर टाइप करेंगे ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PCS, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PCS, क्योंकि मेरा PCS में जा रहा है। आपका KGS हो सकता है, KGS, और बहुत सारे अलग अलग जो चीज़ें हैं यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएंगी, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा। और अब इसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्टेप जो आता है, वो आता है आपका कि विदाउट GST आपका अमाउंट कितना बन रहा है बिल का। तो आपके इनवॉइस पर लिखा होगा इस तरीके से,
तो आप यहाँ पे वो जो अमाउंट है एंट्री कर लेंगे जो कि आपके विदाउट जीएसटी अमाउंट है। और यहाँ पे आपको आईजीएसटी जो आपका जीएसटी है वो स्लैब क्या है, जैसे कि मैं आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ, इनवॉइस में मेरा स्लैब क्या है। जैसे कि यहाँ पे इनवॉइस अगर मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18% आईजीएसटी लग रहा है, यहाँ पे 12,015 रुपये का आईजीएसटी है। तो मैं यहाँ पे 18% स्लैब डालूंगा और ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। आप देख सकते हैं टोटल बिल मेरा इतना बना जो कि विद टैक्स है। आप इसको इनवॉइस से मैच कर लेंगे। अब आप इनवॉइस में जाएंगे तो ये आपका मैच हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं 78,765 आपका मैच हो चुका है। और इसके बाद आपको मैच करने के बाद नीचे आना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको किलोमीटर जो है यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर की आईडी डालनी है, अगर आपके पास गाड़ी नंबर नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टर की आईडी है तो डाल सकते हैं। और अगर आपके पास व्हीकल नंबर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में मैं अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेट आप वही रहने देंगे जो आपकी डेट जो है जिस दिन आपका माल जा रहा है। तो मैं फिलहाल यहाँ से जो है इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और वहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर पे पेस्ट कर लेता हूँ अब मैं यहाँ पे रिव्यू कर लेता हूँ। आप इसको रिव्यू करके एक बार चेक कर लेंगे कि सारी डिटेल आपने ओके कर ली है, नहीं कर ली है, सही से फिल किया नहीं किया है। अब मेरी डिटेल्स यहाँ पे फिल है, मैं बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा एरर ले रहा है कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इस इनवॉइस नंबर का ईवी बिल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो यहाँ से अगर आपका जनरेट नहीं हुआ होगा तो डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दोबारा से जो है मेरा जनरेट हो चुका ऑलरेडी, मैं उसका डायरेक्टली प्रिंट निकालने की कोशिश कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे होम बटन पे क्लिक करना है, ईवी बिल के जो होम बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद मुझे जाना है रिपोर्ट्स में और माय ईडब्ल्यूडी यहाँ पे ईवी बिल रिपोर्ट यहाँ पे डालना है। आउटवर्ड है सप्लाई है यानी कि सेल वाली सप्लाई है, तो यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा कब से कब तक मेरे को रिपोर्ट देखनी है। 5 दिन की रिपोर्ट आप देख सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ऑलरेडी मेरा जो बना हुआ था ईवी बिल नंबर इसको मैं कॉपी कर लूंगा। और कॉपी करने के बाद इसके बाद मैं होम पे आऊँगा और डायरेक्टली मुझे प्रिंट करना है तो डायरेक्टली मैं ईवी बिल पे दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे प्रिंट ईडब्ल्यूडी यानी कि ईवी बिल को प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे ईवी बिल मैंने पेस्ट किया, गो किया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास खुल के आ जाएगा आपके ईवी बिल, और यहाँ से आप डायरेक्टली जो है इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको उसको कैंसिल करके एक बार दिखा देता हूँ कि कैंसिल आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, डायरेक्टली आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब आप मान लो कि आपको उसको कैंसिल करना है, होम बटन पर जाएंगे और यहाँ पे आपको ईवी बिल्स में जाना है। अब आपको यहाँ पे कैंसिल का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, कैंसिल पे आपको क्लिक करना है और ईवी बिल नंबर जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके गो करना है। और गो करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ईवी बिल नंबर आपका खुल के आ जाएगा और आपको सिंपली नीचे आना है सबसे लास्ट पे और अपना रीज़न आपको देना है कि रिमार्क क्या है, क्या वजह रही है कैंसिल करने की, तो कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ रॉन्ग यहाँ पे अपडेट डुप्लीकेट यहाँ पे दे देता हूँ और डायरेक्टली मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा ईवी बिल जो है कैंसिल हो चुका है सक्सेसफुली। और जब आपका ईवी बिल कैंसिल हो जाएगा तो इस तरीके से आपके पास जो है ईवी बिल के ऊपर इस तरीके से कैंसिल लिखा हुआ आएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके ईवी बिल के ऊपर कैंसिल लिखा हुआ आएगा कि ये वाला ईवी बिल जो है कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ईवी बिल को जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके लिए वीडियो, कैसा आपको वीडियो लगा प्लीज हमें बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।